क्या बात है, कितनी खूबसूरत है। ₹71.50 अच्छा। ये लीजिए, ये आपके पैसे। ये कितने कितने का नोट है? 20-20 के 4 नोट है। अच्छा, थैंक यू। सुनिए, ये पैसों के मामले में कभी आपको कोई शिकायत नहीं होती? लोग फायदा नहीं उठाते? मेरा मतलब है, हिसाब में गड़बड़ नहीं होती आपकी? आमतौर पर होती है, पर क्योंकि टोटल अक्सर अधिक निकलता है इसलिए कोई शिकायत नहीं होती। आपने बड़ी वाली मोमबत्तियां सेने ली मैडम? दो ही बची हैं। अच्छा, मैं अभी देखती हूँ। मैं ये हरी चमकी वाली लेती हूँ। मेरी वाली ले ली, क्या शोर मचा रहे? ये मोमबत्ती कितने की है? ये जी ₹50 वाली वाली मोमबत्ती आपने बनाई है? हाँ जी। अरे, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। थैंक यू। आपको बुलाए सर। मिसेस प्रसाद आई है। आइए आइए मिसेस प्रसाद। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। तशरीफ रखिए। जगदीश। हाँ सर। क्लास 10 को बोटानिकल गार्डन्स ले जाना है। हाँ सर। उसके लिए बस का इंतजाम? हाँ वो सर अभी। अच्छा, और कॉफी? जी। आप कॉफी ही लेंगी ना, या कुछ ठंडा? जी नहीं, काफी ठीक है, शुक्रिया। तो आप हैं मिसेस प्रसाद? बड़ी खुशी की बात है, आपने अपना इरादा बदल दिया। क्यों, सच नहीं है? सच है, आप सब कुछ जानते हैं। ये नहीं जानता कि आपने अपना इरादा बदलने में इतना वक्त क्यों लिया। बस ऐसे ही। कुछ पर्सनल बात है? जी। तो फिर इरादा बदला कैसे? कुछ चेहरे, कुछ मोमबत्तियां, कुछ स्पर्श। आप हफ्ते में कितने दिन आ सकेंगी? 7। वाकई बहुत खूब। वैसे 6 ही काफी हैं। हमारे यहां भी इतवार को छुट्टी होती है। आप बच्चों को गाने सिखाएंगी? गाने, कहानियां, नाटक, हैंडीक्राफ्ट, सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा। आप ही बताइए इसमें से क्या सिखाएं। मैं यही चाहूंगी बेचारों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। देखिए, एक छोटी सी अर्ज है, एक लफ्ज आप जितनी जल्दी भूल जाएं उतना अच्छा होगा। बेचारा, हमें मदद चाहिए, तरस नहीं। यहां के बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी जरूर है, लेकिन उस कमी का बार बार एहसास दिलाने से कोई फायदा नहीं है किसी को भी। बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि जिंदगी में फिर भी उम्मीद है। ये कैसे होगा आप सोचेंगी, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए। लेकिन ये मत भूलिए कि अगर आप उन्हें कुछ देंगी तो वो भी आपको बहुत कुछ देंगे। किसी का किसी पर एहसान नहीं, कोई बेचारा नहीं। ठीक? ठीक। थैंक यू बाला। नहीं, मैं बना। सिट डाउन प्लीज।
प्लीज सिट डाउन। आप यहाँ आई हैं मेहमान नवाजी, मुझे करने दीजिए। मैं तो सिर्फ मदद। जब मदद की जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा, ये तो मेरे रोज का काम है। आपकी कॉफी लीजिए ना। प्लीज आई एम सॉरी, लेकिन अगर कोई बिलावजह मेरी मदद करना चाहे तो मैं इरिटेट हो जाता हूं। आई एम सॉरी। आप कॉफी लीजिए ना। सॉरी कह तो दिया। बच्चे तो अभी क्लास में ही होंगे, जूनियर क्रिकेट। मुझे डर सा लग रहा है जैसे इम्तिहान से पहले। बच्चों से क्या डरना है, आज आप कहानी सुना रही है ना। कहानी सोच ली? हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं मैंने सोचा जानवरों की कहानी सुनाओ। वो शेर वाली कहानी है ना, जो कुएं में अपनी परछाई देख के डर जाता है कि जंगल में कोई नया राजा आ गया। एक मिनट। सोचा कविता जी, शेर अपनी परछाई देखता है, ये देखने का रेफरेंस बच्चे नहीं समझेंगे। बेहतर यही होगा कि आप कोई ऐसी कहानी सुनाए जिसमें के आवाज का महत्व हो। आप ठीक कह रहे हैं, इतनी छोटी सी बात मेरे जहन में नहीं आई। देखा मैं इम्तिहान में फेल हो गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आज ही कहानी सुनाई जाए। आज तो सिर्फ आपका बच्चों से परिचय करा दूं। आइए बच्चों, ये आपकी नई आंटी कविता जी हैं। ये आपको नई नई कहानियां सुनाएंगी, गाने सिखाएंगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों। बच्चों आप लोग तो मेरा नाम जान गए, अब मैं भी आप लोगों का नाम जान जाऊं। एक एक करके बताइए, आपसे शुरू करते हैं। अपना नाम बताइए। आपसे कह रही हूँ हरीश। हरीश कुमार गुलाटी, कक्षा 3। शबीर अमर, कक्षा 3। प्रदीप कुमार, कक्षा 2। संतोष कुमार, कक्षा 2। मेरा नाम कैला सिंह, कक्षा 2। आलोक कुमार, कक्षा 3। मुन्ना लाल, कक्षा 1। अजय कुमार, कक्षा 2। सुरेश कुमार, कक्षा 3। अगर कहानी सुनते सुनते कोई चटपटी चीज खाई जाए तो कहानी भी चटपटी हो जाती है। क्यों? मैं समोसे लाई हूँ गर्मा गर्म। एक एक करके लेना और फिर बढ़ाते जाना। दो सुरेश। हाँ, तो एक किसान था जो अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक बच्चे का नाम था रामू और दूसरे बच्चे का नाम था गलत, दूसरे का नाम था हर पापड़ लाल खटमल सिंह पुड़ियाराम हिंगामल टिंगा प्रसाद। क्या था नाम? खैर कहानी तो सुनो। एक दिन क्या हुआ, रामू जो है कुएं में गिर पड़ा। अरे सुनो तो, अच्छा हुआ कि बच्चों की माँ ने उसे देख लिया। वो भागते हुए बच्चों के बाप के पास गई और कहने लगी, सुनो सुनो रामू कुएं में गिर पड़ा। किसान बोला, क्या रामू कुएं में गिर पड़ा? और वो जो तेजी से भागा तो सीधा कुएं के पास। उसने कुएं में छलांग लगाई और सीधा रामू को बाहर निकाला। इस तरह रामू जो है खुशकिस्मती से बच गया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, दूसरा भी कुएं में गिर गया। बिल्कुल ठीक। क्या था उसका नाम? पापड़लाल। अभी से भूल गए। दूसरे का नाम था हर पापड़लाल खटमल सेन पुड़ियाराम हिंगामल ठिंगा प्रसाद। तो वो कुएं में गिर गया। उसकी माँ ने फिर से देख लिया। वो भागते हुए किसान के पास गई और कहने लगी, सुनो सुनो हर पापड़लाल खटमल सेन पुड़ियाराम हिंगामल ठिंगा प्रसाद कुएं में गिर गया। किसान बोला, क्या हर पापड़लाल खटमल सेन पुड़ियाराम हिंगामल ठिंगा प्रसाद कुएं में गिर गया? बच्चों की माँ बोली, हाँ।